नमस्कार। जिंदगी लाइफ आज चाइल्ड इंडिया के अंतर्गत और मेरे सामने प्यारे प्यारे कॉकलर इम्प्लांट बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कॉकलर इम्प्लांट के पश्चात इन बच्चों की स्पीच थेरेपी कराई जाती है और स्पीच थेरेपी के सहारे ये बच्चे बोलना सीखते हैं और तत्पश्चात समाज की मुख्य धारा में लौटते हैं। आज हमारे सामने दक्ष और राम दो बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट के पश्चात स्पीच थेरेपी लेते हुए आ पा ओ ई ला 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 आम दादा दीदी पानी राम पानी मम्मी केला आलू बैगन पंखा पंखा वेरी गुड बोतल मम्मी दीदी आ ओ ई ए बी सी डी E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। कॉकलियर इम्प्लांट बच्चों के साथ स्पीच थेरेपी लेते वक्त मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी मनोभावनाओं को जानना ज़रूरी है और किसी भी बेहतर थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान हो और आप जब स्पीच थेरेपी देने के लिए इन बच्चों के साथ रूबरू होते हैं तो उस वक्त आपकी जो प्लानिंग है वो भी बहुत कंक्रीट होनी चाहिए और उस प्लानिंग के सहारे आप इन बच्चों के अंदर भाषा और वाणी का विकास कर सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा ख्याल रखें कि भाषा और वाणी का विकास जितना आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के सहारे करते हैं बच्चे उतनी ही जल्दी भाषा को सीखते हैं। जिंदगी लाइफ के लिए सुधीर मिश्रा, चाइल्ड इंडिया, बीकानेर।